एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का ब्लॉग है उसमें आप लोग देखेंगे डीएम निशमला हॉस्टल। सो गाइस, मैं आज हॉस्टल पहुंचा था और मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अब आज के बाद हमको शायद मोबाइल अलाउड नहीं होंगे, हॉस्टल में। और बीच बीच में हम पढ़ाई के लिए मांगते रहेंगे दोस्त के लिए, क्या पता बीच में, लेकिन उसमें टाइम नहीं मिलेगा कि ब्लॉगिंग करें, क्योंकि उस टाइम हमें पढ़ाई करनी है। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि आज ही सब कुछ बना लेता हूँ, वीडियो शूट सब कुछ आज ही कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। सो मैं इसी के साथ मैं आज पहुँचा शिमला और फिर मैंने सोचा क्यों ना साथ में हॉस्टल भी दिखा दूँ मैं आपको। और वहाँ मास्क पहना हुआ है, तो मास्क से मैंने कहीं हॉस्टल में मास्क पहन के रहने को बुलाया, क्योंकि कोविड प्रिकॉशंस के साथ हमें उसमें रहना है। और इसी के साथ साथ मैं अभी हॉस्टल पहुँच गया था, तो मैंने भी सामान सामान सारा पैक कर लिया है उधर को। तो मैं सोचा कि क्यों ना ये इंट्रो बना दूँ। तो जो आज की वीडियो वो थोड़ी छोटी होने वाली है, क्योंकि बस मैंने थोड़ा बहुत दिखाया आपको हॉस्टल वगैरह, तो इसलिए मैंने थोड़ा छोटा सा छोटी सी वीडियो है। तो ज़्यादा देर ना करते हैं, कहते हैं हमारी वीडियो का शुरू। लेट्स गो गाइस, ये है चिराग भैया हमारे सीनियर प्लस वन के, और ये भैया पढ़ा रहे हैं अभी प्लस वन वालों को, हमारे क्लास वालों को। चिराग भैया से कि ये प्लस वालों को क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये आप क्या पढ़ा रहे हैं इनको, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे हमको भी, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ रॉक अच्छा पेंटिंग्स के बारे में। ओके, और आप लोग को समझ आ रहा है सब कुछ? अच्छा अच्छा ठीक है, हम जरूर बताएंगे कॉन्टैक्ट, हाँ जी जगह लगा दूंगा मैं। तो भैया प्लस टू में आपने कौन सी स्ट्रीम ली है? मैंने भाई ह्यूमैनिटीज। अच्छा, तो आप अभी मतलब फाइन आर्ट्स की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपने ऐसा बोला? नहीं, मैं रॉक पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा रहा हूं। ओके हाँ, अच्छा जी। और तो ये है प्लस वन के स्टूडेंट्स, और ये देख सकते हैं कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, और यहाँ सर भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। इनकी इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं, पहले हम टीचर के लेते हैं। तो सर आप कहाँ से? मैं तो टीचर नहीं हूँ यार भाई वैसे। हाँ, आप इनको पढ़ा रहे थे भाई एक ही बात पे। अच्छा, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। आप कौन से क्लास में? मास्क की बात है। तो मास्क हटाइए इधर से करिए। अच्छा, तो आप कहाँ से? अच्छा, और सर आप कहाँ से? आप शक्ल दिखाएंगे। ओके, और सर आप? मेरा नाम आतिश है, कोटा से। ओके, आपने नाम नहीं बताया अपना। ओके, आपका नाम? आनंद। ओके, तो देख सकते हैं आप तीनों स्टूडेंट्स बहुत ही लगाव से पढ़ रहे हैं, और देख सकते हैं टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं इनको। तो गाइस, यहाँ देख सकते हैं आप पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखते हैं हॉस्टल में, और यहाँ देख सकते हैं आप सभी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, पुशअप सुना रहे हैं। तो थोड़ी आप दिखाएंगे कि मेहनत कैसे, मतलब आप कर रहे हैं ऐसे कुछ बॉडी, तो गाइस देख सकते हैं आप फुल बॉडी के साथ, और यहाँ ये ट्रेनर, तो जो फिटनेस ट्रेनर है वो ये है, तो ये भी मतलब कि इनको सिखा रहे हैं बस थोड़ा बहुत। उन्होंने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि हमारे हॉस्टल में किस तरह से बच्चे पढ़ाई करते हैं और करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपना हॉस्टल। और ये जो पीछे उधर को वो मेरा टॉयलेट है, तो बाहर बहुत शोर है इसलिए मैं अंदर बना के बना रहा हूँ। तो मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ अपना हॉस्टल, अपना जो हॉस्टल में बाकी बच्चे हैं किस तरह से पढ़ाई होती है, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे हमारे टॉयलेट और हमारा बाथरूम, और यहाँ पे नहाते हैं, सोते हैं, यहाँ पे सभी ये देख सकते हैं है एक्वागार्ड पानी के लिए, और यहाँ है गीजर। बस तो गाइस, ये है हमारे बंकर बेड्स, देख सकते हैं आप टू बंकर बेड्स हैं, और यहाँ पे सभी बच्चे अपने बेड में हैं, कोई पढ़ रहे हैं देख सकते हैं आप, यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं आप सो रहे हैं, सोने की तैयारी है बस इनकी फुल तैयारी, और यहाँ पे देख सकते हैं आप बाकी बच्चे। और ये है अंदर सीनियर डॉर्मेट्री, ये जूनियर डॉर्मेट्री थी, और यह सीनियर डॉर्मेट्री। और यहाँ पे मैंने देखा कि हमारा डीएम न्यू शिमला का हॉस्टल कैसा है, किस तरह से यहाँ सभी बच्चे मिलकर पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, और सभी तरह के स्पोर्ट्स करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जो इसका मतलब फी है वो अफोर्डेबल है।
मतलब आप उसको एफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं है। उसी के साथ खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है हॉस्टल का, और यहाँ पे रहने के लिए मतलब बेड्स वगैरह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वॉशरूम टॉयलेट वॉशरूम सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो आप चाहे यहाँ पर आके एडमिशन ले सकते हैं, और बाकी एडमिशन के लिए आप लोगों को ऊपर ऑफिस में मतलब जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए। बाकी तो मैं आपको इतना ही मुझे पता है तो मैं आपको इतना ही बताऊँगा, क्योंकि बाकी आप लोग स्कूल में आके ऑफिस में आके आप लोग अगर एडमिशन करवानी है और जो भी चीज़ है तो फॉर्मेलिटीज वगैरह वो सारी ऑफिस में होती, तो वहीं पर जाके हम लोग सभी चीज़ों के मतलब ले सकते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी है एडमिशन के लिए। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, लोग आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी कि ज़्यादा कुछ था नहीं, छोटा सा था, मैंने बस आपको हॉस्टल दिखाया था। तो अब कुछ दिन मेरे वीडियोज़ भी नहीं आएंगे क्योंकि मैं हॉस्टल में हूँ और हॉस्टल में नहीं बना पाऊँगा वीडियोज़। तो बस हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।